हेलो क्लास 10th, इट्स मी प्रियंका त्यागी, योर इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम टू यू ऑल इन प्रियंका त्यागीज़ ट्यूटोरियल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये सेक्टर है क्या। सो सेक्टर डिफाइंस अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच बिजनेसेस शेयर द सेम और द रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि सेक्टर इकोनॉमी का वो बड़ा हिस्सा है जिसमें सेम व्यवसाय किया जाता है, चाहे वो गुड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर सर्विसेज से रिलेटेड हो। सो सेक्टर यानी इकोनॉमी का वो बड़ा हिस्सा जिसमें सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी की जाती है, चाहे वो गुड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। और अब हम समझेंगे कि सेक्टर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेक्टर को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ में हम डिस्कस करेंगे केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। जैसे कि हमें पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और हम इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही देखेंगे। सो पहले समझ लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू अर्निंग मनी। वो एक्टिविटीज़ जो पैसे कमाने से रिलेटेड होती है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो अब हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स को। सो लेट्स सी सम पिक्चर्स। सो इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। सो पहली पिक्चर में देखिए कि एक आदमी हल चला रहे हैं, दूसरी में एक आदमी ब्रिक्स बना रहा है, तीसरी में एक आदमी प्रोड्यूस गुड को सेल करके अर्निंग कर रहा है, चौथी में एक आदमी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फिर अर्निंग कर रहा है, पांचवी में हम देख सकते हैं कि एक आदमी सामान ढो रहा है, लोगों का कुली है तब वो अर्निंग कर रहा है, एंड द लास्ट वन में हम देखेंगे कि कुछ लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बिजी हैं। यानी कि यहाँ पर सबका काम अलग अलग है, अलग अलग तरीके से लोग अर्निंग करते हैं। तो आखिर हम इन्हें समझे कैसे, किस तरीके से हम इन्हें डिवाइड करें। सो इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमने इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया है डिफरेंट सेक्टर्स में। अब वो सेक्टर्स हैं क्या, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि ये डिफरेंट सेक्टर्स हमने आपके 9th क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे, बट एज इट इज़ इन कोर्स ऑफ 10th क्लास, तो यहाँ पर हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिर ये सेक्टर्स है क्या। सो सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं आपके तीन टाइप्स की, जिसमें पहला हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्टर, एंड द लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे टर्शियरी सेक्टर। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। सो दीज आर एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली एसोशिएटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी सेक्टर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो रिलेटेड हैं आपके डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक चीज़ों से जो रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधनों से जो रिलेटेड है, उनसे डील करता है आपका प्राइमरी सेक्टर। सो एग्जांपल से समझेंगे हम इसे। जैसे कि अगर हम कॉटन कल्टीवेशन करते हैं तो ये एक पूरा सीज़न ले लेता है कॉटन कल्टीवेशन में, और डिपेंड करता है मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन पे ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमें कॉटन चाहिए तो टोटल वहाँ पर हम नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंड हैं। पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे डेयरी, जिसमें हम डिपेंड करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स और उनकी फॉडर की अवेलेबिलिटी में। Since the most of the natural product are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, etc., it is called agriculture and related sector. तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत से जो प्रोडक्ट हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और आपके डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, और इसे प्राइमरी सेक्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेस है और दूसरे सेक्टर्स का, क्योंकि जब वुड होगी तो ही आपका फर्नीचर बन पाएगा।
इट इज़ अ बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। सो प्राइमरी सेक्टर यानी वो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ये कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी इंक्लूड करता है और इसे प्राइमरी सेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेस है सारे और सेक्टर्स का। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कन्वर्ट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट को किसी दूसरे तरह के प्रोडक्ट में। मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है ये आपकी फैक्ट्री, वर्कशॉप या फिर घर से भी की जा सकती हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम कि जैसे हम सुगर और गुड़ बनाते हैं सुगर केन से, तो सुगर केन यहाँ पर आपका नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे हम दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ सुगर एंड गुड़। सेकेंडरी सेक्टर एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि ये डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इन शॉर्ट इसे पूरा समझेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट को किसी दूसरे तरह के प्रोडक्ट में, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये फैक्ट्री, वर्कशॉप और होम में की जा सकती है। एग्जांपल देखा तो उसके बाद हमने इसका, और एट द लास्ट कि सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करता है, क्योंकि डिफरेंट तरह की चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर इंक्लूड करता है उन एक्टिविटीज़ को जो हेल्प करते हैं आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में। सो सेकेंडरी सेक्टर एक ब्रिज का काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में। ये किसी तरह के गुड का प्रोडक्शन नहीं करता है पर ये प्रोडक्शन प्रोसेसेस में सपोर्ट करता है। अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारे टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल हैं। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिस्किट बनाने के लिए वीट चाहिए, और वीट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्राइमरी सेक्टर में, तो वो थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा प्राइमरी सेक्टर में, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो चीज़ क्या आएगी, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। फिर वो मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंकिंग का अगर यूज़ करता है तो वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज का वो यूज़ करेगा। तो इस तरीके से जो ये टर्सरी सेक्टर है गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता है पर सपोर्ट करता है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ब्रिज का काम करता है उन दोनों के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दीज इंक्लूड सम एसेंशियल प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर। अब ये जो टर्सरी सेक्टर है ये कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, बारबर की सर्विस। ये किसी भी तरह का डायरेक्टली प्रोडक्शन को हेल्प नहीं करती हैं सर्विसेज, बट हाँ ये एसेंशियल है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। In recent times, set a new services based on information technology such as internet, cafe, ATM booth, call center, software company, etc. have become important. अब ये कुछ recent times में हमारे लिए कुछ information technology की services जैसे कि internet cafe, ATM booth, call center, software companies, ये भी हमारे लिए क्या बन चुकी है, बहुत important बन चुकी हैं ये सारी सर्विसेज, जो कि सभी पार्ट हैं आपके टर्सरी सेक्टर का। तो इन शॉर्ट देखेंगे अब टर्सरी सेक्टर में क्या क्या है। तो टर्सरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनके लिए ब्रिज का काम करता है ये किसी भी तरह के गुड का प्रोडक्शन नहीं करता पर हाँ ये सपोर्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा एक्टिविटीज़ की हेल्प से। ये इंक्लूड करता है कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज को भी जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बारबर। हालांकि ये जो सर्विसेज हैं ये किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती है गुड्स के, बट हाँ ये एसेंशियल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब हम देखेंगे कुछ रीसेंट टाइम्स में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं, जैसे कि इसमें एटीएम बूथ की सर्विस, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, इंटरनेट कैफे, जो कि सारी आपके सर्विस सेक्टर में ही इंक्लूड होती हैं। सो अब नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक देखें आज का, दैट इज़ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो ये आपके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे अगर हमें केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए प्राइमरी सेक्टर को, तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे डिपेंड है आपके किस पे, सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर को भी अगर ट्रांसपोर्ट करना है वो प्राइमरी सेक्टर में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हेल्प लेगा, जो कि वो डिपेंड है आपके टर्सरी सेक्टर में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सारे सेक्टर्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लास्ट कुछ सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी उसमें डेवलपमेंट हुआ है, जिसने क्या किया है, फार्मर की परचेजिंग पावर को भी बढ़ा दिया है, जिसके कारण सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में भी इजाफा हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक सेक्टर की ग्रोथ होती है तो सभी सेक्टर का उससे डेवलपमेंट होता है, और ये जो सारे सेक्टर हैं ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज, अब रिवाइज करेंगे हम सारे पॉइंट्स को। सो आज हमने सेकंड चैप्टर में सबसे पहले देखा आपका सेक्टर। तो सेक्टर यानी कि वो लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी जिसमें सेम तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गुड्स के या फिर सर्विसेज से। फिर हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, ये थे आपके तीन टाइप्स के। इसमें पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो हमने आज डिस्कस किया सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ या ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें हमने तीन टाइप्स के सेक्टर देखे, जिसमें पहला था आपका प्राइमरी सेक्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जिसमें हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा हमने देखा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इसमें हम कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट को इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। एंड लास्ट देखा हमने टर्सरी सेक्टर, जो सपोर्ट करता है, ब्रिज का काम करता है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। लास्ट में हमने देखा कि जो ये तीनों तरह के सेक्टर हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Please to like, share and subscribe to my channel.